अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ केसेस क्लियर कर लिए रिगार्डिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्टर्स, और इस वक्त हमारे पास एक और लॉ है रिलेटेड टू कंपोजिशन ऑफ एक्टर्स, और यू मे से द एडिशन ऑफ एक्टर्स। उसके रिलेटेड हमारे पास एक और लॉ यहाँ पर है जिसको हम पॉलीगन लॉ ऑफ एक्टर्स कहते हैं। ठीक है, इस पॉलीगन लॉ ऑफ एक्टर्स में क्या है कि हम यहाँ पर सिर्फ दो वेक्टर्स नहीं लेते हैं, जिस तरह हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्टर्स में हमने देखा कि जब हमारे पास दो वेक्टर्स थे तो हमने उन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे ढूंढ लिया, व्हेन दोज वेक्टर्स वेर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट और व्हेन दे वेर इन द टू कोइंशियल वेक्टर्स। बट द केस इज क्वाइट डिफरेंट हियर। वी हैव अ नंबर ऑफ वेक्टर्स सच एज वेक्टर ए बी सी एंड डी, एंड वी नीड टू फाइंड आउट the resultant for these vectors, and that we do with the help of a law that is called the polygon law of vectors. Okay, now hamare paas ye sare vectors jo hain, these are actually represented, pehle to ye ki all these vectors are in same order. Now you know what we mean by same order. Same order ko pehchanne ke liye kya hota hai ki we have head of one vector, it coincides with the tail of the other, head of this vector will coincide with the tail of this vector, head of this vector will coincide with the tail of this vector, and जब head or tail coincide हो जाते हैं तो हम उस pattern of vectors को हम कहते हैं कि these are drawn and in the same order. लेकिन same order की हालांकि definition जो है that is quite different from this, and the real definition for the vectors in same order must be that when number of vectors are acting either in clockwise direction or when all of them are acting in the anti-clockwise direction, we may treat them as the vectors in same order. यानी अगर सारे vectors anti-clockwise direction में हो, या फिर अगर सारे ये clockwise direction में ही होते, तो फिर हम इनको same order vectors कहते। तो यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि अपोजिट ऑर्डर क्या होता है। अब सेम ऑर्डर तो ये मान लीजिए हो गया, और सेम ऑर्डर को पहचानने के लिए जैसे मैंने अभी कहा कि एक का हेड और दूसरे की टेल कोइंसाइड होगी, तो उस हिसाब से ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, ये सारे सेम ऑर्डर में है। और अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर एक और वेक्टर ड्रॉ करें तो इसी पैटर्न, इस पैटर्न के सीक्वेंस के मुताबिक क्या होना चाहिए था कि उस वेक्टर का हेड यहाँ से होना चाहिए था, ताकि वो भी सेम ऑर्डर में आ जाता, ठीक है ना। लेकिन अगर हम उसका हेड यहाँ से ड्रॉ करें और यहाँ वेक्टर डी का हेड ऑलरेडी है और अब इस वेक्टर का भी यहाँ पर ही हेड होगा, तो ऑल दीज वेक्टर्स आर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेकिन ये वाला वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं है, तो हम इसको कहेंगे कि ये अपोजिट ऑर्डर में है, ठीक है ना। तो लॉ हमें ये कहता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं इन सेम ऑर्डर एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन। नाउ यू नो व्हाट इज अ पॉलीगन। पॉलीगन इज अ फिगर, अ ज्योमेट्रिकल फिगर दैट हैज मेनी साइड्स, ठीक है। तो यहां पर अगर ये फिगर एक है, एक दो तीन चार मैंने इसके साइड्स बना लिए हैं, तो अगर इस पॉलीगन के ये जो साइड्स हैं, एक साइड ओ ए, दूसरा ए बी, तीसरा बी सी और चौथा सी डी, अगर ये सारे साइड्स एक एक करके एक एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, और अगर वो सारे वेक्टर सेम ऑर्डर में है, नाउ इफ यू हैव अ नंबर ऑफ वेक्टर्स इन सेम ऑर्डर एंड इफ ऑल दीज वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन, ये एक ओपन पॉलीगन है, हमने इसको क्लोज नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। तो इफ वी हैव, सो वी विल रिपीट इट, इफ वी हैव अ नंबर ऑफ वेक्टर्स टेकन इन सेम ऑर्डर एंड इफ ऑल दीज वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, देन, तो लॉ कहता है तब, अगर ऐसा केस है तो तब क्या होगा कि देन द क्लोजिंग साइड ऑफ दिस पॉलीगन विल रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट। जो इस पॉलीगन का क्लोजिंग साइड होगा वो इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा, बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, बट व्हेन टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। जब हम उसको किस ऑर्डर में ले लें, अपोजिट ऑर्डर में। मैं थोड़ा सा इसको फिर से दोहराता हूं। जब हमारे पास एक पॉलीगन होगा, एक ओपन पॉलीगन, और अगर उसके साइड्स रिप्रेजेंट करेंगे बहुत सारे वेक्टर्स को, मगर वो सारे वेक्टर सेम ऑर्डर में हो, तब उसी पॉलीगन का जो क्लोजिंग साइड होगा, यानी पहले ये ओपन था और अब जो इसका क्लोजिंग साइड होगा वो
इनकी रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी वो इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, मगर कब, जब हम उसको अपोजिट ऑर्डर में ले। ये सारे सेम ऑर्डर में हैं और इनका रिजल्टेंट, वो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट ऑर्डर में होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो साइन है ये ओडी, तो इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय द अदर साइड्स ऑफ द पॉलीगन। अब ये लॉ कह रहा है, तो व्हाट इज द स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट को आपने नोट भी किया होगा जो मैंने कही, तो मैं फिर से उसको दोहराता हूं। व्हेन ए नंबर ऑफ वेक्टर्स इन सेम ऑर्डर आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन, देन द क्लोजिंग साइड ऑफ दैट पॉलीगन will represent their resultant when taken in the opposite order. This is the statement of polygon law of factors. अब हमें ये यहाँ पर प्रूव करना है कि सचमुच में R जो है वो रिजल्टेंट है, इसका वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी का। मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, खाली दो वेक्टर्स। अगर आपने लिखना है कि इनका रिजल्टेंट R है, तो इस इंफॉर्मेशन को कैसे लिखेंगे, वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। व्हाट इज दिस इंफॉर्मेशन, व्हाट डज दिस इंफॉर्मेशन कन्वे, इट कन्वेज दैट आर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। व्हाट डज दैट मीन एक्चुअली, इट मीन्स दैट आर कैन प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज इज प्रोड्यूस्ड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कलेक्टिवली, ठीक है। अब ये आर जो है ये इतना इफेक्ट प्रोड्यूस यहां पर करेगा जितना ए बी सी डी कलेक्टिवली प्रोड्यूस कर सकते हैं, तब ये आर जाके कहा जा सकता है कि इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ए बी सी एंड डी। हाउ कैन वी प्रूव दैट आर इज रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज वैक्टर्स, तो वो हम इस तरह से करेंगे। लेट अस ज्वाइन दिस ओ टू बी, और मैं इसकी डायरेक्शन इस तरह से ओ से लेकर के बी तक ड्रॉ करूंगा। फिर आप देख लीजिए ये ओ ए बी जो है ये ट्राइंगल है, मैं फिलहाल इस तरह से लिखूंगा, वेक्टर ओ ए जो कि वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, प्लस वेक्टर ए बी जो कि वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करता है। वेक्टर ओ ए रिप्रेजेंटिंग वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए बी रिप्रेजेंटिंग वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी सी रिप्रेजेंटिंग वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डी विच रिप्रेजेंट्स वेक्टर कैपिटल डी, ठीक है ना। तो अगर हम इन चार वेक्टर्स को ले लेते हैं तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, आप देख लीजिए। हम इनके बदले अगर आप ये दो ले लें, ओ ए एंड ए बी, जरा देखिए ओ ए एंड ए बी ये किन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये दो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को, मगर ये एक ट्राइंगल के दो वेक्टर्स है। आप देख लीजिए यहां पर एक ट्राइंगल बन गया ओ ए बी, और उस ट्राइंगल में दो वेक्टर्स हैं ओ ए एंड ए बी, बट दीज आर इन द सेम ऑर्डर, इसलिए इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स, इनका रिजल्टेंट ये ओ बी होगा, क्योंकि आप जानते हैं ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स के हवाले से दैट द रिजल्ट दैट द टू वेक्टर्स व्हेन टू वेक्टर्स इन सेम ऑर्डर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, then the third side of the triangle will represent their resultant when taken in the opposite order. ये दो वेक्टर्स एक ट्राइंगल के दो साइड्स भी हैं, मगर ये दोनों सेम ऑर्डर में हैं, और इसी ट्राइंगल का ये तीसरा साइड जो है वो अपोजिट ऑर्डर में इन दो का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। सो ओ ए एंड ए बी जो है इनके बदले हम यहां पर इनका रिजल्टेंट जो है वो हम लिख सकते हैं ओ बी। तो ये दो हो गए, बाकी बचा वहां पर प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी। अब हमने क्या लिखा, हमारे पास चार वेक्टर्स थे, इन चार में से ये जो दो हैं इन दो का कंपोजिशन जो हमने किया, इन दो का रिजल्टेंट जो है वो ये है ओ बी, तो इन दो के बदले हम यहाँ पर ओ बी लिखते हैं, फिर बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। फिर से इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, हम इसके बदले लिख सकते हैं ये तीन वेक्टर्स जो यहां पर हमें मिले राइट हैंड साइड पर। लेकिन ये राइट हैंड साइड में फिर से दो वेक्टर जरा देख लीजिए, ओ बी प्लस बी सी, ओ बी प्लस बी सी, ओ बी ये है और बी सी ये है, और अगर मैं यहां से ये ज्वाइन कर लूं
ज्वाइनिंग ओ टू सी, तो हमें यहां पर एक और वेक्टर मिलेगा। तो फिर आप इस वाले ट्राइंगल में देखिए, ओ बी सी में यहां पर फिर दो वेक्टर्स हैं इन सेम ऑर्डर, कौन कौन, ओ बी एंड बी सी, और ये वेक्टर जो है ओ सी, इट इज इन द अपोजिट ऑर्डर। तो लिहाजा ओ बी और बी सी का रिजल्टेंट जो है अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स वो है ओ सी। तो मैं लिख सकता हूं वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी सी के बदले वेक्टर ओ सी, सो ओ बी प्लस बी सी, ओ बी प्लस बी सी, इसके बदले मैं लिख सकता हूं वेक्टर ओ सी, तो प्लस वेक्टर सी डी। अगेन हम इसी तरह से प्रोसीड करेंगे, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी इक्वल्स, अब फिर से देखिए जरा राइट हैंड साइड पर क्या है, ओ सी प्लस सी डी, दिस इज वेक्टर ओ सी, दिस इज वेक्टर सी डी, ये किसके बराबर होगा, ये होगा ओ डी, वाई, बिकॉज यहां पर फिर से एक ट्राइंगल बन गया, और इस ट्राइंगल में भी आप ट्राइंगल लॉ फैक्टर्स अप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि वेक्टर ओ सी एंड सी डी जो है ये सेम ऑर्डर में है, और इनका रिजल्टेंट ये थर्ड साइड होगा ट्राइंगल का जो कि अपोजिट ऑर्डर में है, और वो है ओ डी। तो मैं लिखूंगा वेक्टर ओ सी प्लस वेक्टर सी डी इज इक्वल टू व्हाट, ओ डी, तो ओ सी प्लस सी डी के बदले में लिखूंगा ओ डी, राइट। अब जरा मैं जो हमने इनको एनालिटिकल सिंबल्स दिए हैं उनमें मैं इसको एक्सप्रेस करता हूं, व्हाट इज ओ ए, इट रिप्रेजेंट वेक्टर ए, सो आई विल राइट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए बी, ए बी किसको रिप्रेजेंट करता है बेसिकली वेक्टर बी को, प्लस बी सी वेक्टर सी को, एंड सी डी वेक्टर डी को, और ओ डी इट रिप्रेजेंट दिस आर। तो इसका मतलब ये हुआ ये ओ डी ही रिजल्टेंट है इन सब का, और देयरफॉर वी मे से वेक्टर आर और वेक्टर ओ डी द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। एंड इस तरीके से हम ये डिराइव कर चुके हैं, ये प्रूव कर चुके हैं कि अगर हम एनालिटिकली कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे इन सेम ऑर्डर, और अगर वो सारे वेक्टर्स रिप्रेजेंट हो रहे हो बाय द ओपन बाय द साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन, देन द क्लोजिंग क्लोजिंग साइड ऑफ दैट पॉलीगन, तब उस पॉलीगन का जो क्लोजिंग साइड होगा, ठीक है ना, विल रिप्रेजेंट देयर व्हाट, इट विल रिप्रेजेंट देयर रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच।